आज से कुछ दिन पहले गाइस यूएस का जो टैक्स इन्फॉर्मेशन जो आया था बहुत लोग भर चुके हैं, लेकिन गाइस फिर से एक लागू और नियम स्टार्ट हुआ है जो आप लोग को नहीं पता है। तो गाइस इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आपको एक ईमेल आईडी पर जिसका जिसका चैनल मोनेटाइज है उसका एक ईमेल आईडी पर इस तरह का मैसेज आया होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल आईडी में इस तरह का मैसेज आया होगा। तो गाइस जिसका चैनल मोनेटाइज है वही ये काम कर सकता है। पेपरलेस का ये काम है, इंपॉर्टेंट साइनिंग अप फॉर पेपरलेस टैक्स डॉक्यूमेंट बाय December 31, 2021 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो गाइस इसको आपको फिल करना है और इसको सबमिट करना है। तो गाइस चलिए कैसे करते हैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका कुछ जानकारी देता हूँ, यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, इसका जानकारी ले सकते हो, लेकिन गाइस मैं थोड़ा सा जानकारी शॉर्टकट में दे देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। यूएस का जो टैक्स पहले जो काटता था, यूएस का जो टैक्स का डॉक्यूमेंट जो दिया था हम लोग को भरने के लिए, वो भर के हम लोग सबमिट कर दिए, लेकिन गाइस फिर से हम लोग का एक लागू स्टार्ट हुआ है जैसे कि हम लोग का जो टैक्स कटता है कितना कटता है वो गाइस हम लोग का ईमेल के आईडी जो हमारा ईमेल आईडी है उस पर हमको मिलता रहेगा, जैसे कि हमारा जो टैक्स कितना कटा है, कब कहाँ कितना कटा है, कितना काटा गया है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन जानकारी हमको ईमेल के द्वारा हमारे ईमेल आईडी पर आ जाएगा, जैसे कि हमको पता चल जाएगा कि मेरा यूएस में टैक्स कितना कटा है। तो गाइस चलिए इसको फॉर्म को भर लेता हूँ, आप चाहे तो यहाँ से आप पूरा जानकारी पढ़कर निकाल सकते हो। आपको फटाफट बता दो कैसे आपको फिल करना है। गो एडसेंस पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आप चाहे तो क्रोम ब्राउज़र से भी जा सकते हो। तो गो एडसेंस पर यहाँ पर मैं क्लिक किया हूँ, क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट किया हूँ, आपका जो है यहाँ पर खुल जाएगा। अगर आपने सेटिंग करके रखा होगा खुल जाएगा, मतलब ज़्यादातर लोग तो क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करता है, लेकिन अगर आपका लॉग इन रहेगा पहले से ही तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक खुल चुका है, यहाँ पर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कैसे आपको करना है। तो गाइस जिसका चैनल मोनेटाइज है वही इसके काम कर सकता है, बाकी दूसरे के मोबाइल में ये मैसेज नहीं आया होगा। तो यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पर जाना है। पेमेंट पे जाने के बाद तो पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको कुछ नया टैब खुलेगा जो आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पे जल्दी थोड़ा नेट स्लो है, तो गाइस यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, सबसे नीचे आपको जाना है, यहाँ पे मैनेज सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। मैनेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों का मोबाइल में अच्छा सा खुलता नहीं है पेज, तो आप यहाँ पे क्या करें थ्री डॉट पर क्लिक करें, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर चला जाएँ। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप साइट पर चला आया हूँ और यहाँ पे मैं फिर से वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे मेरा ये फॉर्म भरना है। तो गाइस आप लोग भी डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लें, क्योंकि बहुत लोगों का मोबाइल में ओपन नहीं होता वहाँ पर जाने के बाद, बाकी तो पूरा ओपन हो जाता लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ओपन नहीं होता। आप चाहते तो डेस्कटॉप साइट पर कर ले इसको। करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको लिखा रहेगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे जो लिखा है इस पर मैं क्लिक किया हूँ। उसके बाद यहाँ मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर से वही यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हो नीचे कुछ टैब खुलेगा, फिर यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो ये गाइस पहले जो हमारा जो यूएस का टैक्स का जो फार्म आया था वो फार्म यहाँ पे हम भरे थे, यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं ये मेरा अप्रूवर हो गया है, आप लोग भी किए होंगे तो आप लोगों को भी दिखा रहा होगा यहाँ पे ऊपर में। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दो चीज़ लिखा रहेगा सबमिट न्यू फॉर्म, तो आपको यहाँ पे मैनेज डिलीवरी परफॉर्मेंस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक नया टैब खुलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक टैब खुल कर आया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि इसको यहाँ से आप चाहे तो पढ़ सकते हो और इसका जानकारी भी कुछ ले सकते हो, लेकिन मुझे अभी पढ़ना नहीं है, मुझे कर देना क्योंकि मेरे को पहले ही पता चल गया ये क्या है, मैं पहले ही पढ़ लिया था। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्सपर्ट पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जी हाँ गाइस एक्सपर्ट पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपडेट डिलीवरी परफॉर्मेंस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मेरे सामने ये सबमिट हो चुका है। तो ये मेरा सामने सबमिट हो चुका है, यहाँ पे आप मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो यही था गाइस वीडियो में, हो सकता है आपको ये जानकारी कैसा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पर नए हो तो। बाय बाय।